मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो हमें साउंड देते हैं गया होगा, चुका होगा, चुकी होगी या फिर गई होगी की। आइए से पहले कि ये कैसे देते हैं साउंड, उससे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस चेक प्लस टाइम फ्रेज। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेज। इंटरोगेटिव की होती है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेज। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेज। ये होती हैं इसकी स्ट्रक्चर्स। अब इसके स्ट्रक्चर में आपको एक चीज और बताती चलूं, जैसे ये है विल और शैल, तो विल और शैल में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब चूज करके लगानी होती है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई और वी है तो आप शैल लगाएंगे, अगर कोई सा भी दूसरा सब्जेक्ट है तो आप विल लगाएंगे, और उसके साथ में हमेशा हैव आता ही आता है। आप हैव का हैज या फिर हैड बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो चॉइस होती है वो विल और शैल की होती है, हैव का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट्स। ठीक, शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट्स। शी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए विल लेकर के आए हैं। हैव का कोई चेंज नहीं है, हैव को आपने एज इट इज ही रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लेकर के आए हैं रीच्ड, वो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। उसके बाद होम, ऑब्जेक्ट है बिफोर द सनसेट्स, आपका टाइम फ्रेज आ चुका है कि सनसेट सूरज के डूबने से पहले, ये आपका टाइम फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, वो किसी के साथ ही इस्तेमाल होता है। तो अभी शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट्स, वो घर पहुंच चुका होगा सूरज डूबने से पहले, इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे गया होगा देखिए या फिर चुका होगा, वो अपने सूरज डूबने से पहले अपने घर पहुंच चुका होगा, फ्यूचर में चुका होगा के लिए। एक तो काम फ्यूचर में हो रहा है और उसके बाद चुका होगा के लिए। शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट्स, जैसे हम बोल देते हैं मैं कल 5 बजे तक तो यहां आ भी चुका होऊंगा, इस तरीके से वहां पर हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी के साथ शैल आता है, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर कम्स। वी हेल्पिंग वो है सब्जेक्ट है आपका, शैल के हेल्पिंग वर्ब लगाई है, हैव आपका आना ही आना था, फिर आपने फिनिश की थर्ड फॉर्म आ गई है आपकी, आवर वर्क ऑब्जेक्ट बिफोर फादर कम्स, ये आया आपका टाइम फ्रेज, किससे पहले कि पापा आ जाए उससे पहले पहले। वी शैल हैव फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर फादर कम्स, हम अपना काम तो पूरा कर चुके होंगे पापा के आने से पहले ही, ये जो है कि पापा के आने से पहले ही हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे, काम हुआ नहीं है, फ्यूचर में बता रहे कि हो चुका होगा। इसको निगेटिव बनाने का बहुत ईजी तरीका है, विल और हैव के बीच में या फिर शैल और हैव के बीच में नॉट को प्लेस कर देते हैं। ये मेन वर्ब से पहले यहाँ पे नॉट प्लेस नहीं होता, यहाँ पे विल और हैव के बीच में नॉट प्लेस होता है, जैसे आप हैज बीन और हैव बीन के बीच में करते हैं ना, या फिर हैड बीन, उस तरीके से बिल्कुल। यहाँ पे देखिए शी विल, नॉट आपने प्लेस किया, हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स, निगेटिव बनाने में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक नॉट को प्लेस करना होता है। आपको नॉट की जगह पता होनी चाहिए कि हमें नॉट कहाँ प्लेस करना है। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर कम्स, शैल और हैव के बीच में नॉट आया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम और आपका बन गया निगेटिव। ठीक, वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर फादर कम्स, हम अपना काम तब तक पूरा नहीं कर चुके होंगे जब तक पापा आएंगे। उसके बाद विल, और आप ये देखे विल और शी को ही आपस में रिप्लेस किया है खाली, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब आपकी फर्स्ट वाली गिवन थी उसे रिप्लेस किया है आपने आपस में, बाकी सब सेम है, हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट्स क्वेश्चन मार्क। हमेशा आप स्टार्टिंग के ही जो वर्ड्स होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में गिवन है, आप उसे ही आपस में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही शैल वी, बाकी अगर आपको नॉट भी लगाना है तो आपका सेंटेंस सेम रहने वाला है, नॉट हैव फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर फादर कम्स क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नीचे आते हैं,
वाई विल शी हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। हमें डब्ल्यू एच फैमिली का वाई वर्ड यहाँ पर ठीक लगा कि वाई विल शी हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स, कि वह सनसेट से पहले अपने घर क्यों पहुंच जाएगी या फिर क्यों पहुंच चुकी होगी। ठीक, हाउ शैल वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर फादर कम्स, कि हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे पापा के आने से पहले पहले। ठीक, आपको जो भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड सुटेबल लगता है आप वो लगा करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर्स का सबका ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपने उसको माइंड में सेट कर लिया तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।